मेरा वो बाइंग पार्ट 25 है। चलिए, थोड़ी बाइंग प्राइस आपकी ऊंची है, लेकिन दिन देखिए, यहाँ पर तमाम मेटल काउंटर्स जोश में हैं। ध्वनि के पास जाऊंगी मैं। ध्वनि, इनकी बाइंग प्राइस 171 है। अगर हम इसका 52 वीक हाई भी देखें तो 184 के आसपास स्टॉक पहुंचा है, लेकिन देखिए 153 का एक अहम मार्क जिसको तोड़ने में ये कामयाब रहा है। आज तो खैर तमाम काउंटर्स हम देख रहे हैं कि तेजी की ओर ही है, लेकिन फिर भी 159.20 तक के लेवल से बाइंग प्राइस इनकी थोड़ी सी ऊंची है 171। नियर टर्म आउटलुक अगर आप बताना चाहें तो कितना रिकमेंड करेंगी, किस स्टॉप लॉस के साथ? ध्वनि जी बिल्कुल कविता, यहाँ पे हाल ही आज ही हमने जस्ट ओपनिंग कमेंट्री में ही बताया कि मेटल्स के अंदर आज बाइंग का एक रुझान देखने को मिल रहा है। टाटा स्टील के अंदर भी यहाँ पे जो बाइंग एक्शन है वो ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक ने वापस से दिया है। इनकी खरीद भाव ऊपर की है बट संख्या कम है, उस हिसाब से इनको नुकसान यहाँ पे इतना भारी होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। बट मेरी इसमें बने रहने की ही सलाह रहेगी क्योंकि ओवरऑल मेटल्स के अंदर वापस से एक बाइंग एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और टाटा स्टील के अगर हम लेवल्स की बात करें तो आज का जो ब्रेकआउट और जो लो फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है तो 154 का स्टॉप लॉस मैं इनको सजेस्ट करूंगी मेंटेन करना। ऊपर की तरफ इनको अपने कॉस्ट भाव यानी कि 171 तक का एक बाय देखने को मिल सकता है। वहां पर यहाँ पे स्टॉक एक हल्का सा हॉल्ट लेता हुआ दिखेगा बट जैसे ही इनकी बाय प्राइस के ऊपर स्टॉक मूव होता हुआ देखने को मिलेगा तो वापस से इसके जो ऑल टाइम हाईज है 183 से लेके 185 के लेवल्स के पास वापस वहां तक मूव करता हुआ देखने को मिल सकता है इनको। सो प्रॉफिट बांधने की भी यहाँ पे डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है। होल्डिंग पीरियड इनका जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा लंबा रहेगा। यहाँ पे मेरी सजेशन रहेगी कि एटलीस्ट 5 से 6 महीने का होल्डिंग पीरियड इसके अंदर गिन के चले। ठीक है, तो ये